हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे हाथ गोबर के हैं और मैं अभी जो मधुमक्खियाँ का छत्ता रहता है उसको लीप रहा था बाहर से। और ये देखिए, यहाँ से हमने अभी ये शहद निकाला। ये देखिए शहद, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इसको लीप दूंगा यहाँ पर सारे। ये देखिए, और फिर दिखाएंगे दोस्तों मधुमक्खियों का छत्ता। आप दोस्तों स्वागत है हमारे ब्लॉग वीडियो में, बने रहिए। अब दिखाते हैं आपको ये मधुमक्खियों का जो शहद होता है उसको निकाला, और इसमें मैंने गोबर रखा था उसको बाहर से लीपने के लिए, ताकि मधुमक्खियाँ बाहर ना आ जाए खतरे से। देखिए दोस्तों, इतना शहद निकला इसमें से, एक खतरे पर से, यानी कि एक जगह से। ये है कर, ये वाला है अभी चलते हैं बाहर। और अब दादी जी के यहाँ के मधुमक्खियों पे का शहद निकाला जाएगा। अरे भाई साहब जी हमारे हैं जो मधुमक्खियाँ निकालने में उस्ताद हैं, ऐसा इंतजाम करना पड़ता है। देखिए गोबर, ये गोबर का ये हो गया, गोफला बोलते हैं इसको गढ़वाले में। इस पर धुआं आ रहा है और इस पर अभी इसको खोलेंगे, इस पर देखेंगे। और देखते हैं, और इस पर पानी भी इसके साथ, और झाड़ू हो गया। अच्छा झाड़ू हो गया, चाकू हो गया और पानी हो गया, ताकि ताकि शहद ना चिपके इसके लिए, ये काटने के लिए हो गया। और फुल सिक्योरिटी के साथ आना पड़ता है ताकि काटे नहीं। और देखिए इसको बहुत काटे डाले ना, खन्ना को होता नहीं, यूँ सीधा खोले सीधा तो तीस रुपये बंद होता है ना ना। अब आप चनाओ कुछ पहुँचा जाते बड़ा। देखिए खुल रहा है, खतरा, मेरे को भी डर लग रहा है कहीं मोटा ना हो जाए। कहीं खाएंगे तो कहीं मोटा ना हो जाए इस धुएं के साथ, ताकि अंदर ना आए बाहर रहे। फिर भी वो आते हैं, खाएं जाओ सब। देखिए दादी सुबह लो तो बानो, इस पर देखे इतने सारे मधुमक्खियां हैं, इस प्रकार से निकाला जाता है। ओहो ओ भाई, ओ हाथ पाई मेरा खेल भी तेन कौन जान। दरवाजा बंद कर रखा है सिक्योरिटी के साथ, देखना पड़ता है सब कुछ। लाइट नहीं जलानी है ताकि वो लाइट पे आते हैं, नहीं तो हमारा काफी जनते पर मधुमक्खियां बहुत हैं उस पर। हम लाइट नहीं खोलूंगा मैं, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी कम आएगी। पर किस तरह साफ किया जाता है, इतना धुआं भर गया अंदर, और भाई साहब लगे हुए हैं काफी सिक्योरिटी के साथ निकालना पड़ता है इनको, नहीं तो खा दिया। मैं भी तो ऐसे रिस्क में बैठ रहा हूँ यहाँ पे देखने के लिए। आ रहे हैं पैरों पे, आ रहे हैं मधुमक्खियाँ, आ रहे हैं किसी ने हाथ पे आया। अभी मुंह पे आएगा तो समझो मोटा हो गया कल ही। मधुमक्खी वाले खतरे पे, यहाँ दादी के यहाँ इतना इतनी इतना शहद निकला है। देखिए इतना शहद निकल रखा है,
आप देख सकते हैं। ये मुझे दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता है ये, और देखिए काफी मीठा होता है खाने में, टेस्टी। हाँ मजा आ रहा है, आप भी खाइए और आनंद लीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवी उत्तराखंड। थैंक यू। सारा मेरे हाथ से निकल गया नीचे। तो यहाँ पे अशोक भाई ने भी जो कि मधुमक्खियों को वो किया है, ये देखे सेप्टिक ग्लव्स, इनसे मधुमक्खियाँ नहीं खाती हैं। खाती तो क्यों नहीं, पर इतना हमको नहीं खाती है भाई। ये देखिए, और यहाँ पे हैं, ये है मधुमक्खियाँ, इसमें इनके यहाँ की, और इसमें शहद निखारने के लिए रख रखा है। और ये देखिए, ये तो नहीं रोड देते, शहद निकल रहा है इसमें। और छात्र आ गए हैं स्कूल से, और नई ड्रेस। खाओ 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 खाओ, तू भी खा, तू भी खा। और आज का मौसम देखिए दोस्तों, बादल लगे हुए हैं पूरे आसमान पे। देखिए पे गुलाब का फूल और गया, ये पूरा गुलाब का पेड़ है, और बहुत प्यारा गुलाब है। देखिए आप,